हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्लाईव्हील। देखिए, फ्लाईव्हील क्यों यूज करते हैं इंजन्स में और इसका मेन कारण क्या है, वो आज सारा हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्लाईव्हील, जैसे कि आपने देखा होगा इंजन में फ्लाईव्हील लगा होता है। जनरेटर आप देखते हैं घरों में, तो वहां पे एक बड़ा सा बीच में हिस्सा होता है जहां पे बड़ा व्हील घूम रहा होता है। छोटे हम देखते होते थे, इतनी बड़ी प्लेट, हैवी प्लेट लगाई क्यों है, ये नहीं समझ आता था। तो वो फ्लाईव्हील किस लिए होता है? तो आपने अगर फोर स्ट्रोक इंजन के बारे में अगर आपको सारी जानकारी है, तो फोर स्ट्रोक इंजन में आपको थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में। फोर स्ट्रोक इंजन में ऐसे होता है, कुछ पहले कौन सा अपने पास स्ट्रोक आएगा, आप बोल सकते हैं सक्शन। तो सक्शन में यहां पे इंजन कहता है कि मुझे पावर दो, क्यों, मैंने सक्शन प्रोसेस करनी है। फिर कंप्रेशन, वो भी इंजन कहता है मुझे पावर दो, मैंने कंप्रेशन करनी है। और तीसरा आता है जब वो कहता है कि लीजिए मेरे से पावर, लीजिए मैं आपको पावर देता हूं, ठीक है। तो और चौथे में फिर एक्सपेंशन में फिर वो कहता है कि लो जी मुझे फिर पावर दीजिए। तो हमारे पास सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, इन तीन में हमें इंजन को पावर देनी पड़ती है और इसमें इंजन हमें पावर देते हैं, ठीक है, आप समझ रहे। तो अभी ये सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट चार स्ट्रोक है, चार में से तीन जो है उसमें इंजन कहता है कि मुझे पावर दीजिए और एक में मैं आपको पावर दूंगा। तो आप ये देखिए वो पावर आएगी कहां से, अगर आपने पावर की आपने देनी है इंजन को, वो आएगी कहां से? तो हमें कुछ इस तरह से बनाना पड़ा कि उसी की पावर को हम इस्तेमाल करें। देखिए, मैं इसको एग्जांपल की तरह देखूं तो आप इसको फ्लाईव्हील को एक बैंक की तरह भी सोच सकते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके बिजनेस इवनली नहीं चलते थ्रू आउट द ईयर्स। मान लीजिए कि कुछ लोग जो है सिर्फ सर्दी पे डिपेंड करता है कि वो काम चलेगा या नहीं चलेगा, कि उनका विंटर्स में काम चलता है और बाकी थ्रू आउट द ईयर वो फ्री रहते हैं। तो अगर वो क्या करते हैं, मान लीजिए कि इस सीजन में कमा लेते हैं, इस सीजन में काफी पैसा कमा लिया, तो वो क्या करेंगे, एक समझदार आदमी क्या करेगा, यहां से उसने जितना पैसा कमाया उसका इतना हिस्सा मान लीजिए वो खर्च के चलाने में चलाता है, करता है, और बाकी जो है वो बैंक में रख देता है इसे। क्यों? क्योंकि ये तीन महीने उसने कमाया है और बाकी तीन महीने यहां, यहां और यहां पे उसने काम नहीं मिलेगा, तो घर का खर्चा कैसे चलाएगा? तो वो बैंक में पड़ा हुआ पैसा धीरे धीरे यूज करेगा, ठीक है। तो ये एक फ्लाईव्हील बैंक की तरह है। तो होता क्या है, आपको अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता तो उसकी पहली वीडियो देख लीजिए मेरी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आपको समझ आएगा कि फ्लाईव्हील कैसे वर्क करता है। फ्लाईव्हील में भी हमने क्या रखा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा रखा है। आप थोड़ा सा एग्जांपल इसको दूं, अगर आप साइकिल का स्टैंड लगा लें बड़े वाला और आप एक बार पैडल लगाएं, एक बार पावर स्ट्रोक लगाएं, सिर्फ दबाओ नीचे, और दूसरी बार आप देखेंगे कि आपने व्हील को घुमाया, अब व्हील वापस पावर दे रहा है और पैडल को घुमा रहा है। देखिए, आपने एक बार पावर दी इंजन की तरह, आपने एक बार पावर दी उस फ्लाईव्हील को, अब फ्लाईव्हील आपको वापस इस इंजन को, उस पिस्टन को पावर दे रहा है। पिस्टन कौन सा है? आपका पैर, ठीक है, और क्रैंक कौन सी है? पैडल। तो आपने एक बार पैडल लगाया और वापस वही फ्लाईव्हील आपको पावर दे रहा है, कितनी अच्छी बात है। इसी तरह से हमारे पास इंजन में होता है। तो हमारे पास मान लीजिए कि ये कुछ इस तरह से है, यहां पे हमारे पास सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है और यहां पे क्रैंक है। तो हम यहां पे फ्लाईव्हील लगा देते हैं, सेम उसी तरह साइकिल वाला एग्जांपल की तरह, ये एक बार इसको पावर स्ट्रोक दे दें, बाकी सक्शन, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट तीनों में वापस फ्लाईव्हील इसको पावर देगा। तो हमें पावर स्ट्रोक से इसको घुमाना है और इसने बाकियों में इसको घुमाना है। तो हमारे पास क्या हो रहा है कि फ्लाईव्हील बड़ा चाहिए इसमें फोर स्ट्रोक
क्यों? क्योंकि इसमें जो अनइवन है सारा कुछ, पहले चाहिए पावर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव, ऐसे ही फिर पॉजिटिव, तो जो वेरिएशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, यही अगर टू स्ट्रोक में करें तो टू स्ट्रोक में ये कम है, ठीक है, ये वेरिएशन कम है। सिर्फ उसमें क्या चाहिए कि एक बार हमें पावर देनी है और एक बार पावर मिल जाएगी, फिर पावर देनी है, फिर पावर मिल जाएगी, इस तरह से सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव चलता जाएगा और कम वेरिएशन है। देखिए इससे और इसमें इतना फर्क है, तो यहां पे फ्लाई व्हील छोटा चाहिए इसमें टू स्ट्रोक इंजन में। टू स्ट्रोक इंजन रिक्वायर्स अ स्मॉल फ्लाई व्हील देन एज कंपेयर टू फोर स्ट्रोक इंजन। देखिए ये जो क्वेश्चन है काफी इंटरव्यू में फेमस है, तो प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आपको ये चीज समझ आनी चाहिए, फिर ये आगे आगे जो बढ़ते हैं। अभी ये जो बात कर रहा था वो कर रहा था मैं सिंगल जो सिलेंडर इंजन के लिए। अगर फोर सिलेंडर इंजन है तो फोर सिलेंडर इंजन में ये कुछ बदल जाएगा, ये कहानी बदल जाएगी। सिलेंडर इंजन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये क्रैंक है, फोर सिलेंडर है, ये पिस्टन अरेंजमेंट, ये आपके पास कनेक्टिंग नोड है, तो होता क्या है फोर स्ट्रोक इंजन में, तो यहाँ पे अलग अलग स्ट्रोक चलते हैं। आपको अगर इसकी वर्किंग बताऊं तो अगर स्टार्टिंग में इसका माने तो इसमें सक्शन स्ट्रोक है, इसमें सक्शन है और इसमें कंप्रेशन चल रही है और इसमें पावर और इसमें एग्जॉस्ट, चारों में अलग अलग जो प्रोसेसेस चल रहे हैं, स्ट्रोक अलग अलग है। अगली बार में क्या होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा कंप्रेशन, यहाँ क्या आ जाएगा पावर और यहाँ क्या आ जाएगा एग्जॉस्ट और यहाँ आ जाएगा सक्शन, और अगली बार क्या होगा यहाँ पे पावर, यहाँ पे एग्जॉस्ट और यहाँ पे सक्शन, यहाँ पे कंप्रेशन, और लास्ट बार चौथी बार हम देखें तो यहाँ पे एग्जॉस्ट, यहाँ पे आपका सक्शन, कंप्रेशन और ये पावर। इसी देखें तो हर बार जब रोटेट हो रही है ये क्रैंक शाफ्ट, तो हमारे पास हर बार कहीं ना कहीं हमें पावर मिल रही है, कोई ना कोई सिलेंडर हमें पावर दे रहा है। तो स्टार्टिंग में देखिए कि हमें पहले जो पावर मिलेगी, मतलब हर रेवोल्यूशन में पावर मिलनी है, तो पहले जो स्ट्रोक में पावर मिलेगी वो इससे मिलेगी, इस सिलेंडर से, तो सक्शन था, कंप्रेशन था, इसमें पावर मिलेगी, इसमें एग्जॉस्ट था। नेक्स्ट बार में इससे पावर मिल जाएगी, अगली बार में हमें इससे पावर मिल जाएगी और नेक्स्ट टाइम हमें इससे पावर मिल जाएगी। तो हमें हर बार पावर मिल रही है, हर बार पावर मिल रही है, चाहे बाकियों में सक्शन चल रहा है, कंप्रेशन चल रहा है, एग्जॉस्ट चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं से हमें पावर मिल रही है, तो वही पावर का स्ट्रोक है जो उसकी एनर्जी जो है दूसरे सिलेंडर में काम आ जाती है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती इस फोर सिलेंडर फोर स्ट्रोक इंजन में, तो हमें इसमें फ्लाईव्हील बहुत छोटा चाहिए। ठीक है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। आगे देखते हैं इसमें एनर्जी डायग्राम जो बनेगा वो भी आपको यहीं पे बताता हूं मैं। देखिए तो यहां पे कुछ ऐसा बनेगा, तो मैं अगर सिलेंडर वन का बनाऊं, ठीक है, सिलेंडर वन में यहां पे देखिए इसका सिलेंडर वन का सक्शन, फिर कंप्रेशन, ठीक है, फिर पावर मिलेगी, फिर एग्जॉस्ट। तो ये देखो सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। अगर सिलेंडर टू का बनाऊं, सिलेंडर टू का यहां क्या है कंप्रेशन, तो यहां पे कंप्रेशन और उसके बाद पावर, पावर ये देखिए कंप्रेशन हुआ, फिर पावर, फिर एग्जॉस्ट, फिर सक्शन, तो हमें यहां पावर मिलेगी इस बार। अगली बार में हमारे पास यहां क्या है पावर, फिर एग्जॉस्ट, फिर सक्शन, फिर कंप्रेशन, इस तरह से चलेगा। और तीसरे सॉरी चौथे सिलेंडर में क्या होगा, क्या चल रहा होगा इसके साथ साथ, यहां एग्जॉस्ट, यहां पे सक्शन, यहां पे कंप्रेशन, यहां पे हमें पावर, तो हमें थ्रू आउट द साइकिल हमें पावर मिल रही है, चाहे फोर स्ट्रोक है
फोर स्ट्रोक के हर स्ट्रोक में हमें पावर मिल रही है, वो किससे मिल रही है हमें, इन फोर सिलेंडर के कारण। अब देखिए जो सयाना आदमी है, अगर कहीं बिजनेसमैन की बात लगाएं तो बिजनेसमैन क्या करते हैं, वो एक बिजनेस पे अपना सारा पैसा नहीं लगाएंगे, तो वो मोस्टली क्या करते हैं, तीन चार बिजनेस में अलग अलग जगह पे पैसे लगाते हैं। वो इसीलिए लगाते हैं कि अगर कहीं पे पावर नहीं मिली, मतलब कहीं पे हमें पैसा नहीं आया, प्रॉफिट नहीं आया, पी मतलब प्रॉफिट, पी मतलब पावर, अगर कहीं प्रॉफिट नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे बिजनेस से हमें प्रॉफिट आ जाएगा। तो हमें जो हमारा बिजनेस है वो डाउन नहीं जाएगा, वहां से अगर प्रॉफिट आता है, यहां पर लॉस आता है तो वो बैलेंस कर सकता है। आपको समझ आया कि नहीं आया तो ये मुझे जरूर कमेंट में बताइए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं वीडियोस बना सकूं। थैंक यू सो मच।